हम सब इस वक्त स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे क्रीडांगन बोरीवली के 15 एकड़ के मैदान में है। एनेबलिंग लीडरशिप सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रवि सनत जी हम सबके बीच में है। एनेबलिंग लीडरशिप के चेयरमैन रामके जी भी है। 8000 बच्चे इस संस्था में काम करते हैं और 2 दिन का यहाँ पर ये फुटबॉल का इवेंट चलेगा जिसमें 700 से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है और ये 5 राज्यों में से बच्चे आते हैं। 5 राज्यों के बच्चों को एकत्रित करके 2 दिन का फुटबॉल का इवेंट यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया की जब बात करते हैं तो किस तरह से देश भर के बच्चे इसमें जुड़े हैं ये उसका साक्षात दर्शन हम आज यहाँ पर कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। सांसद के नाते मैंने जो ग्राउंड यहाँ पर बनाए उत्तर मुंबई में उस ग्राउंड का उपयोग इस तरह से हो रहा है और इस ग्राउंड की चर्चा आने वाले दिनों में सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं तो देश के 5 राज्यों में भी होगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से मैं मानता हूँ कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है और ये सारे जो बच्चे इन्होंने लाए हैं वो मध्यम वर्गीय और स्लम एरिया में से बच्चों को पकड़कर इन्होंने लाया है। ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता हूँ। इस उम्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनके दिलो दिमाग में एक आत्मविश्वास डालना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के छोटे बच्चे कल के हमारे देश के नेता होंगे इस प्रकार की भावना व्यक्त करता हूँ और फिर एक बार मैं एनेबलिंग इंडिया के सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो पहले तो मैं गोपाल शेट्टी जी का थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना टाइम लिया हमारे लिए यहाँ पे आके और हमारा उद्घाटन किया और बच्चों को इस स्पोर्ट्स के बारे में बोला। मगर एक चीज़ जो बहुत महत्व है कि जो हम एनेबलिंग लीडरशिप का हमारा जो प्रयत्न है कि फुटबॉल खेलेंगे और जैसे गोपाल शेट्टी जी ने बताया कि खेलने से हेल्थ बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बट ये जो जीवन कौशल हैं जो हम सिखा रहे हैं उनको अगर वो इन द फ्यूचर जाके जॉब के लिए ढूंढेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे, आपके अपने परिवारों को उनकी देखभाल करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो स्लम के बच्चे हैं, गवर्नमेंट पाठशालाओं के बच्चे हैं, उनके लिए इवन मोर इम्पॉर्टेंट है ये। और ये हम प्रयत्न कर रहे हैं, अभी आज हम 9000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी आशा है कि अगले 10 साल में हम 10 लाख बच्चों के साथ काम करेंगे और ये उनकी परिवर्तन लेके आएंगे। आए हैं यहाँ पर तो यहाँ पे दिल्ली से हैं, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और काफ़ी रूरल 45 गांवों से आए हैं। सातारा के पास में, धारवाड़ के पास में, कुमटा के पास में, सो ये क्षेत्रों में उनका कंपटीशन रहा है, वहाँ से जीत के यहाँ पे 700 बच्चे आए हैं। कल आपको मुबारक हो, संसद रत्न अवार्ड मिला सर, क्या कुछ करने के बारे में? बहुत मुबारक। मैं इस प्रकार के सारे काम करते रहता हूँ इसलिए संसद रत्न मिला है। लोगों ने जिस काम के लिए चुन कर दिया है उनके मन के मुताबिक कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें छोटे से छोटे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। जब रवि जी बात कर रहे थे सारे स्लम के बच्चे हैं तो आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ स्लम। मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर बिताया है तो मैं जानता हूँ सामान्य लोगों की वेदना क्या होती है, उनकी समस्या क्या होती है, उनकी आवश्यकता क्या होती है। और इस प्रकार का जब इवेंट्स के लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको तुरंत हाँ कहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि उनको जितना हो सके उतना सहयोग दीजिए। और सारे कार्यकर्ताओं ने कोई से जिन सारे कमर मुकेश भंडारी है, करुणाकर शेट्टी है, दिलीप पंडित है, इन सारे लोगों ने मिलकर ये व्यवस्था खड़ी की है। मैं मानता हूँ कि ये जहाँ कहीं भी जाएंगे तो ये सारी बातें करेंगे, इसमें एक अपनापन का भावना बढ़ जाता है, पैदा होता है। और यही हमारी देश की खूबसूरती है कि हम जिनको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उनके साथ में एक रिश्ता नाता बनाते हैं और यही एक ताकत है देश की।